हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको अल्ट्राटॉन की गेमिंग चैनल पर। गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट दोनों, तो मैं आज कास्टिंग करने वाला हूँ, घटी वाला कास्टिंग, और ऑब्जर्व भी करेंगे। तो फिलहाल मिलके सब होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आज का जो मैप है सबका पॉपुलर, सब इस सबका फेवरेट है एरेंगल। तो आज ये जो प्लेन पाथ है, इस प्लेन पाथ के हिसाब से बंदे कहाँ पे उतरने वाले हैं। मिलिट्री बेस के साइड यहाँ पे दो टीम को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर जो है 3, ये है गॉड ओन्स गुजरात के टीम, और एक स्मैक्स की स्क्वाड को यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, ये है ओडिशा के टीम। तो गुजरात और सॉरी टीम नंबर 3 गॉड ओन्स, ये गोवा की टीम और ओडिशा के टीम के बीच में फाइट रहेगा। तो देखेंगे, काफ़ी बुमबम होने वाला है। यहाँ पे जो है साइको को दिखाई दे रहे हैं, और साइको और लेजेंड को दिखाई दे रहे हैं, इनके बहुत ही करीब हैं टीम नंबर 3 के। ओपी सिवा और टीम नंबर 3 के ये सी वाले बिल्डिंग पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है टीम नंबर 3 के बाकी सारे टीममेट्स यहाँ पे हैं, बट करीब तो नहीं है, बट है, उनके बगल में है। तो लास्ट तक देखते हैं कैसे बमबाम रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी सारे टीम्स कहाँ पे उतरे हैं। नोबो की साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टीम नंबर 17 को दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 17 जोकर्स ओपी, ये टीम को दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मेंशन के साइड देखिए, काफ़ी ज़्यादा टीम्स गए हैं, मतलब ये लोग कभी नहीं सिलेक्ट कर पाए हैं कि कहाँ पे जाना है, स्क्रीम्स में कहाँ पे जाना सही रहता है। ये डिसाइड जब तक नहीं कर पाओगे ना, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे यूट्यूब ए बी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो एक बंदे को यहाँ पर डाउन कर दिए हैं, बट देखेंगे वहाँ पे उस साइड देखेंगे। यहाँ पे टीम नंबर 25 के स्क्वाड के सामने टीम नंबर 3 है, ये फाइट जब तक कवर नहीं करते हैं वो दूसरे साइड नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे टीम नंबर 3 के साइड और टीम नंबर 25 के बीच में यहाँ पे फाइट एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे टीम नंबर जो 3 के लौंडा है ना, ओ माय गॉड, यहाँ पे साइको अभी घुसने वाला है। मुझे लगता है साइको अभी घुस के ही उनको पेल देंगे। रावण यहाँ पे डाउन है, रावण इनको फिनिश कर देंगे। अरे साइको फिनिश कर भाई, कितना टाइम लगा था ये टीम नंबर 3 के लौंडा, जितना टाइम लगाओगे ना भाई उतना जाएगा। लेजेंड यहाँ पे घुस के टीम नंबर 3 के लौंडे को फिनिश करने वाले हैं, और टीम नंबर 3 के लौंडे को बचाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे साइको को रिवाइव दे देंगे, बट यहाँ पे टीम नंबर 3 के लौंडा यहाँ पे ऊपर आ चुका है, बट यहाँ पे ग्रेनेड कनेक्ट नहीं होगा, ये ग्रेनेड कनेक्ट नहीं होगा। लेजेंड भी डाउन यहाँ पे, वेनम अकेला बचा है, रावण के तो रिवाइव दे देंगे, और साइको फिनिश हो जाएगा, लेजेंड भी फिनिश हो जाएगा। ये लिख के ले लीजिए व्हाट यहाँ पे सिचुएशन जो है, यहाँ पे देखिए माँ कसम, पूरा बूम बम कर दिए हैं। लेजेंड को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अरे भाई साहब, यहाँ पे टीम नंबर 3 का लौंडा जो है ये समझ गए हैं, ये हमारा चारा है, इसको रख दो बगल में, जब तक ये मर ब्लीड आउट होता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, पुकारता रहेगा अपने टीममेट्स को, और अपने टीममेट्स जो है यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। यहाँ पे वेनम ओपन से आ रहे थे, तो वेनम ओपन से आ रहे थे तो बंदे उसको स्पॉट किए, और फोर स्पाइक रॉड को यहाँ पे दिखाई दे रहा, क्या नाम है इसको, रोड, यहाँ पे लेजेंड को लास्ट कप फिनिश करके गए। वॉर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रावण हक के गया भाई, रावण हक के गया। बट यहाँ पे टीम नंबर 3 का जो लौंडा है ये
लास्ट तक टीम नंबर थ्री को सर्वाइव कराता है या फिर नहीं, देखना है। यहाँ पे जो है टीम नंबर 25 का जो लौंडा है, दो लौंडा सर्वाइव कर रहा है, तो वो लॉन्ड ये रावण बहुत ज़्यादा लो एचपी के साथ है, एक स्मोक डाल दिए हैं, बट ये लोग समझ पाएंगे कि ये स्मोक है या फिर नहीं। अच्छा तो फिर सही है, टीम नंबर 25 के लॉन्डे यहाँ पे वेनम को दिखाई दे रहे हैं। अरे वेनम, तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 3 यहाँ पे घुसने वाला है, बट यहाँ पे टीम नंबर जो है 25 के लौंडा वेनम यहाँ पे उसको पेल के टीम नंबर 3 को पूरा के पूरा लॉबी पहुँचा दिए हैं। दूसरे सेट चलेंगे, यहाँ पे टीम नंबर 20 के स्क्वाड के लौंडे और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 2 के स्क्वाड के लौंडे। टीम नंबर 2 के स्क्वाड के जो लौंडे हैं WTF का टीम, ये टीम है WTF का टीम जो है, ये टीम है मुझे जितना मालूम है ये जम्मू से है आई थिंक। तो फिलहाल यहाँ पे जो है टीम नंबर 20 के स्क्वाड के नोबिता यहाँ पे नॉक फिनिश होने वाले थे, बट नॉक है फिलहाल। अपने टीममेट्स उसको रिवाइव देने के लिए बिल्कुल तैयार, बट यहाँ पे रिवाइव भी हो जाएंगे, बट यहाँ पे टीम नंबर 6 का लौंडा यहाँ पे पुश कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 6 के लौंडे WTF हाइपर हाइपर और उनकी टीममेट्स अर्जुन और टाइगर सबको दिखाई दे रहे हैं पुश करते हुए। नोबिता वहीं पे ही बैठा हुआ है भाई साहब, बट टाइगर को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पुश करते हुए, बट यहाँ ब्रोकन वॉल के साइड ही बैठे हुए हैं यूट्यूबर भाई को भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे दिखे हाइपर यहाँ पे सपोर्टर को डाउन कर चुके हैं टाइगर यहाँ पे घुसते हुए, बट यहाँ पे लास्ट तक टीम नंबर जो है 20 की स्क्वाड के लॉन्ग है। और टीम नंबर 6 के लौंडा टीम नंबर 20 के लौंडे को फिनिश करके लॉबी पहुंचा दिए हैं। फिलहाल टीम नंबर 20 जो है डेथ विश के टीम यहां पे चले गए हैं लॉबी पर, फिलहाल दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 20। ये डेथ विश का ही टीम था ना, टीम नंबर 20 भाई इतना ढीला क्यों खेला आज। ठीक है जो भी है, टीम नंबर 6 जो है फिलहाल देख पा रहे हैं WTF के टीम टाइगर के टीम के लॉन टीम जो है, क्या लोग टीम का नाम है WTF, माँ कसम चेंज करो ना यार WTF क्या है भाई। फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर जो है 11 की स्क्वाड के लौंडे को दिखाई दे रहा है, टीम नंबर 11 जो है नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स की टीम को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सामने यहाँ पे एक लौंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीम नंबर 9 के टीम के लौंडे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो लौंडा यहाँ पे लुढ़क चुका है, हाथ में एक केम है और इनके हाथ दूसरा गन जो है M16 है, बट भरोसा नहीं हो रहा है बंदे यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं दिया जा रहा है टीम नंबर 9 की, अकेला ये लौंडा जो सरवाइव कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। अबे जब गाड़ी लेके जा रहे हैं तब नहीं मारने का भाई, गाड़ी आ रहा है उनकी तरफ, ओ जब टीम नंबर 11 की स्क्वाड की लौंडा, ओ भाई दो लौंडा डाउन, एक लौंडा अरे एक लौंडा कितना लो एचपी के साथ है भाई, एक बार देख ले माँ कसम स्क्वाड वाइफ हो जाता है यहाँ पे टीम नंबर 11 की, अकेला एक लौंडा जो है टीम नंबर जो है कौन सा टीम का था वहाँ पे, अकेला एक लौंडा सरवाइव कर रहा था टीम नंबर 9 की ब्लीड ब्लू स्क्वाड बिहार के टीम के लौंडे, माँ कसम भाई साहब 1v3 कर डालता यहाँ पे लौंडा, क्या ही गेम प्ले दिखाया था, बट बैड लक। टीम नंबर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाड़ी से आता हुआ टीम नंबर 16 की स्क्वाड के लौंडे यहाँ पे दो तीन लौंडे के साथ खेल रहे हैं फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सामने टीम नंबर 22 के स्क्वाड के लौंडे हैं, टीम नंबर 22 के जो स्क्वाड के लौंडे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं HDB के क्लैन के लौंडे और HDB के
क्लैन के जो लौंडे हैं ये महाराष्ट्र की टीम के लौंडे हैं। फिलहाल देखते हैं टीम्स कैसे खेलते हैं। टीम नंबर 16 की स्क्वाड के साथ टीम नंबर 22 की स्क्वाड की यहाँ पे फाइट होने वाला है। तो यहाँ पे टीम टॉक्सिक को देखने वाला है। टीम टॉक्सिक स्लॉट नंबर 10 पे है। अच्छा टॉक्सिक गए, अरे भाई साहब टॉक्सिक की टीम कब गए, कैसे गए? माँ कसम कौन सा टीम पेल के गया मुझे नहीं मालूम। जो फाइट मैंने कवर कर रहे थे उसी टाइम फाइट हो रहा होगा। तो फिलहाल टीम नंबर 9, ओ बहुत बढ़िया शॉट एसीबी डेविल के द्वारा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत तगड़ा शॉट मारा था, बट ये कौन सा कम्बिनेशन की गन पकड़ा है भाई, M249 साथ में Kar98 Part 9 आर स्पोर्ट्स अरुणाचल की टीम की लॉन्डे टीम नंबर 16 में यहाँ पे खेल रहे हैं सामने। और टीम नंबर 20 के स्क्वाड के जो लॉन्डे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं HTB डेविल महाराष्ट्र के टीम के लॉन्डे। तो फिलहाल देखते हैं लास्ट तक क्या होता है टीम नंबर 16 और टीम नंबर 22 के बीच में। फिलहाल एक बार मैप खोल के देख लेते हैं क्या सिचुएशन है टीम नंबर 19 की स्क्वाड के बीच और टीम नंबर 11 के स्क्वाड के बीच में। सामने टीम नंबर 11 के स्क्वाड के लौंडा पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आसाम के टीम के लौंडे के साथ यहाँ पे बंगाल की टीम के फाइट होने वाला है। फिलहाल अकेला एक लौंडा सर्वाइव तो कर रहा है, क्या मैं बोलने वाला था कि क्या यहाँ पे अकेला एक लौंडा सर्वाइव कर लेगा, बट टीम नंबर 19 की स्क्वाड यहाँ पे गॉड लेवल बंगाल की जो स्क्वाड है यहाँ पे सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंशन में झंडा गाड़ चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दूसरे साइड जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मैप ओपन किया मैंने, INX की स्क्वाड जॉर्जियो सिटी के साइड से रोटेट कर रहे हैं और ये टीम डिमांसा के टीम भी रोटेट कर रहे हैं। रोजॉक के साइड जो है टीम नंबर 24 ये घुस चुके हैं। टीम नंबर 24 स्ट्राइक एक्स की टीम ओडिशा की टीम ये लोग जोन के साइड घुस चुके हैं। जोन के अंदर अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं एक्स मैक्स की स्क्वाड। अरे 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 एक्स मैक्स की स्क्वाड गए, पूरा लुढ़क गए भाई। जस्ट बॉल देखने वाले थे कि वहाँ पे टीम नंबर जो है 15 की स्क्वाड वहाँ पे खा गए उनको, रहा नहीं टीम नंबर 25 की स्क्वाड को, खा गए पूरा खा गए। टीम नंबर 15 की स्क्वाड यहाँ पे VMC स्पोर्ट्स मणिपुर की टीम ओडिशा की टीम को फिनिश करते हुए दिखाई दे रहा है। सामने टीम नंबर 14 की जो स्क्वाड निकलते हुए जा रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे टीम जा रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये टीम कौन सा साइड जा रहे हैं रोटेट कर रहे हैं सब देखेंगे, बट टीम नंबर 14 की जो स्क्वाड है ये टीम थैनस ऐसा नाम है क्या, क्या नाम है भाई त्रिपुरा की ये टीम है, थानसी ऐसा नाम है क्या कुछ, बट कैसा नाम मुझे नहीं पता, बट जो भी है टीम नंबर 7 की स्क्वाड के लौंडा यहाँ पे सामने ये दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 7 की जो स्क्वाड है WTF के स्क्वाड में है और सॉरी नेक्सस यूनाइटेड है टीम नंबर 7 मध्य प्रदेश की टीम। और सामने टीम नंबर 14 त्रिपुरा की टीम है। तो फिलहाल एक बार मैप खोलते हैं, मैप खोल के दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर जो है 19 की स्क्वाड के लौंडे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने टीम नंबर 16 है, टीम नंबर 22 है, बट यहाँ पे भिड़ जाएंगे या फिर नहीं दिखते हैं। ओ माय गॉड अरुणाचल की टीम के लौंडे और बंगाल की टीम के लौंडे आपस में भिड़ चुके हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 19 की स्क्वाड के लौंडे के साथ टीम नंबर 16 की स्क्वाड के लौंडे के फाइट हो गया है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ग्रेनेड कसम भाई साहब क्लच यहाँ पे गॉड लेवल क्लच अकेला सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे टीम ना, अरे माँ कसम टीम नंबर 22
अरे इसी यही टाइम मिला था क्या तुम लोगों को पुश करने को? बहुत बढ़िया टाइमिंग है टीम नंबर 22 की, माँ कसम टीम नंबर 16 की स्क्वाड की वाट लग गया है यहाँ पे जो है टीम नंबर 16 की लग गए लौड़े लग गए लौड़े लग गए भाई टीम नंबर 16 की। फिलहाल टीम नंबर 19 की स्क्वाड की जो लौंडा है क्लच है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ये क्या लौंडा है, टीम नंबर 19 की स्क्वाड का जो लौंडा है यहाँ पे फाइट लेगा, कैसे फाइट लेगा मुझे नहीं पता। एक ग्रेनेड आया है उसके साथ, ओ भाई टीम बहुत प्यारा ग्रेनेड मार रहा है भाई, ख़त्म कर डाला टीम एचडीबी क्लैन की जो स्क्वाड है ये ख़त्म कर डाला। आज ज़्यादा एग्रेसिव मोमेंट दिखाई दे रहा है इस लोगों की भी भाई। बाकी दिनों क्या हो जाता है तुम लोगों का, इतना जल्दी लुढ़क जाते हो, बट आज तो एकदम काफ़ी बुम बम एकदम हलचल मचा रखे हो वह। फिलहाल टीम नंबर जो है अरे यहाँ पे फाइट है, फाइट ये रेंडरिंग इशू हो ख़त्म होने में देखिए अब भी 10 सेकंड लग जाएंगे, इतना टाइम लग जाता है ना भाई। टीमांसा के टीम के लौंडे यहाँ पे टीम नंबर 24 की लौंडे को डाउन कर दिए हैं, टीमांसा की टीम के लौंडे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 24 की लौंडे को डाउन कर दिए हैं फिलहाल, उनको तो ख़त्म कर देंगे उनके टीममेट्स। बाकी टीममेट्स कहाँ हैं, ये लौंडा यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? अच्छा गया लूट गया बंदा, ख़त्म हो गया भाई, सारे के सारे पूरा ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे बंदे को लेके मत आना यार, जो खेलेगा नहीं ना ऐसे, पता नहीं लौंडे का क्या हो गया है, अपने टीममेट्स की वाट लगा डाला। बट टीम नंबर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 6 के स्क्वाड के लौंडे, दो लौंडे यहाँ पे ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। कौन सा टीम के साथ फाइट हुआ था? अच्छा टीटी के टीम के साथ फाइट हुआ था क्या? टीटी की टीम मतलब डबा डब के टीम के साथ यहाँ पे फाइट हुआ था, किलफिट में दिखाई दे रहे हैं। अब भी टीम ये तमिलनाडु के टीम थे, तमिलनाडु के टीम के साथ यहाँ पे जम्मू के टीम के फाइट हुए हैं। फाइट होने के बाद अर्जुन और टाइगर यहाँ पे पड़ चुके हैं दिखाई दे रहे हैं, जस्ट जस्ट ख़त्म हुआ, देखो माँ कसम जस्ट ख़त्म हुआ। फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 1 की स्क्वाड को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 1 की जो स्क्वाड है ये टीम है दिल्ली वैम्पायर के टीम, दिल्ली के टीम। तो फिलहाल यहाँ पे दिल्ली के टीम मेंशन के साइड है, यहाँ पे टीम नंबर 21 की स्क्वाड है, टीम नंबर 21 INX की स्क्वाड है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रेंडरिंग इशू होगा भाई, ये लो डिवाइस से रेंडरिंग ख़त्म होने में थोड़ा सा 7-8 सेकेंड लग जाता है। अभी तुम लोगों का जैसे भाई तो अमीर नहीं है, गरीब लौंडा है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। बट यहाँ पे जो है टीम नंबर जो है 17 की स्क्वाड के लौंडे जो कार ओपी यहाँ पे अभी भी सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चार लौंडे के साथ देख रहे हैं सरवाइव करते हैं, जमीन के अंदर घुस कैसे गया अभी जो कार अंकित सामने। टीम नंबर 14 के स्क्वाड यहाँ पे पीछे हैं, टीम नंबर जो है सब थामो को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनके सूरों को दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे टीम नंबर 14 के स्क्वाड के लौंडे यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या सब फाइट रहेगा माँ कसम, टीम नंबर 14 और टीम नंबर जो है 17 के बीच में तगड़ा फाइट हो रहा है, तगड़ा फाइट होने वाला है मुझे लगता है। टीम नंबर 15 के स्क्वाड आ रहे हैं, BMC के स्क्वाड आ रहे हैं उधर से दिखाई दे रहे हैं रोटेट करते हुए। बट यहाँ पे टीम नंबर जो है 17 के स्क्वाड के लौंडा डाउन हो चुका है, बट यहाँ पे सूरो के अपने टीममेट को बचा पाएंगे, ग्रेनेड आ चुका है माँ कसम। तो भाई सूरो तो बाल बाल बच गए, बट माँ कसम टीम नंबर ये लौंडा सही किया है भाई, गाड़ी में बच गया है और गाड़ी में मत कसम भाई
अबे उठ के मारना उसको, उठ के ही मार, क्या ही कर रहा है भाई। मतलब पैनिक ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या भाई, क्या हो रहा है भाई, पैनिक हो रहा है क्या? टीम नंबर 14 की स्क्वाड की यहाँ पे एक लौंडा लुढ़क गया है, बट वो ज़्यादा आगे चला गया था, ज़्यादा आगे जाने से यहाँ पे ख़त्म हो गया और क्या हो गया। टीम नंबर 17 की स्क्वाड के दूसरा एक लौंडा था, उन्हें देखिए यहाँ पे एक एक करके बंदा पूछ कर रहा है। अबे पूछ करना है तो पूरा टीम पूछ करो ना। बस खत्म। टीम नंबर जो है यहाँ पे देखिए जोकर ओपी वहाँ पे ख़त्म कर दिया। टीम नंबर 20 जो है कौन सा टीम था, त्रिपुरा की टीम था, ख़त्म कर दिया वो, कांसी के टीम था। टीम नंबर 14 ओके, टीम नंबर 21 के जो लौंडे हैं INX ब्लैक यहाँ पर डाउन है, बट यहाँ पे आई थिंक मुझे लगा था कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, बट स्मोक ज़्यादा डाल दिए थे यहाँ पे, इसलिए बच के निकल के आ गए। टीम नंबर 21 और टीम नंबर 23 के बीच में जो फाइट हुआ है, बंगालो और ओडिशा के बीच में फाइट हुआ है। टीम नंबर 23 ओडिशा के टीम के लौंडे हैं और टीम नंबर 21 INX की स्क्वाड ये बंगाल के टीम है। तो फिलहाल यहाँ पे जिम्मी को दिखाई दे रहे हैं, दीपक को दिखाई दे रहे हैं और प्रभु को दिखाई दे रहे हैं, प्रभु। तो फिलहाल यहाँ पे जोन को प्रायोरिटी देते हुए आई थिंक ये लोग जोन के निकल जाएंगे, और यहाँ पे मुझे लगता है कि डिमांसा का टीम्स यहाँ से प्रिजन के साइड से यहाँ के जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं। टीम नंबर 1 के जो स्क्वाड हैं दिल्ली के वैम्पायर के टीम, इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, बट डिमांसा के टीम्स काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है सेंटर जोन पकड़ेंगे या फिर क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। आई थिंक यहाँ पर टीम नंबर 1 और टीम नंबर जो है 12 के बीच में फाइट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बूम बाम होने वाला है। जोन के अंदर सारे के सारे टीम्स रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टीम नंबर जो है 12 के लौंडे और टीम नंबर जो है 12 के लौंडे ये इतना गंदा जो है सिचुएशन है ना, ये रेंडरिंग इशू के लिए एकदम घटिया सा दिखाई दे रहा है। डेविल के अलावा चाहे पीछे से टपाटप पड़ रहा है, कौन सा बंदा मारा, अच्छा टीम नंबर 1 आ गया। टीम नंबर 12 के लौंडे वहाँ पे उनको दिक्कत देते हुए, बट यहाँ पे टीम नंबर 1 के जो लौंडे हैं वो पीछे से आ गया और ख़त्म करके चला गया। यहाँ पे टीम नंबर जो है HDB के लौंडे, यहाँ पे टीम नंबर जो है 1 के स्क्वाड के लौंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 1 के स्क्वाड के जो लौंडे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल सरवाइव करते हुए, और सामने टीम नंबर 12 के स्क्वाड है आसाम के टीम डिमासा ऑफिशियल्स। यहाँ पे टीम नंबर जो है डिमासा रॉय टीम नंबर 23 के स्क्वाड के लौंडे को खा गए, तो लास्ट तक देखते हैं। टीम नंबर जो है 17 के स्क्वाड के साथ यहाँ पर टीम नंबर 21 की स्क्वाड की फाइट हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दो टीम ही बंगाल के टीम है, टीम नंबर 17 और टीम नंबर 21, बंगाल के दो टीम के बीच यहाँ पर फाइट होगा, तो देखते हैं काफ़ी बढ़िया सा रहेगा। बंगाल के दो टीम एक आपस में बढ़ते हुए, और यहाँ पर INX की स्क्वाड को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है मेरा। यहाँ पे डिमांसा के टीम के साथ यहाँ पे टीम नंबर 23 रेइस के टीम की फाइट हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पे डिमांसा का टीम लुढ़क गए सामने, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन जो है डिमांसा की पूरा टीम लुढ़के नहीं है, दो बंदा अभी भी सरवाइव कर रहा है। वहाँ पे चलते हैं एक बार दिखाते हैं आप लोगों को, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है यहाँ पे। टीम नंबर 1 की स्क्वाड के लौंडे और टीम नंबर 12 के स्क्वाड के लौंडे, तो टीम नंबर 12 के जो स्क्वाड के लौंडे हैं दो लौंडा सरवाइव कर रहे हैं, बट यहाँ पे लास्ट तक इविल बच पाएंगे या फिर नहीं मुझे नहीं पता। इविल जो है अरे पीछे से बंदा पेल रहा है यार, इसके
इसके पास हीलिंग वगैरह के नाम पे यहाँ पे सिर्फ बैंडेजेस है। बट ये यहाँ पे फाइट होती, ये फाइट देखते देखते वहाँ पे टीम नंबर 17 और 21 के बीच में फाइट रख जाएगा। आए भाई होल्ड करके रख टीम नंबर 17 और टीम नंबर 21, जोकर की टीम और ये INS की टीम। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा देख लें, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। अगर दोनों टीम एक साथ फाइट लगा जाओगे तो क्या चलेगा, कैसे चलेगा बताऊँ मैं? कौन सा फाइट देखूँ? टीम नंबर 12 के स्क्वाड के लौंडे यहाँ पे जोन के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो है डिमासा के लौंडे निकल गए, सही है। और बाकी यहाँ पे क्या सिचुएशन होता है, डिमासा रॉय यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिचुएशन एकदम कड़क जगह पे है, क्योंकि सिचुएशन जो जगह में बैठे हुए हैं ना ऊपर ऊपर से यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है वो अगर देख लेगा ना यहाँ पे पेल के चला जाएगा वो बंदा। बट ये दोनों पीछे चले गए हैं और जोन जोन के साइड से रोटेट करना चाहिए इन लोगों को। चलिए टीम नंबर 17 और टीम नंबर 12 के बीच में यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। सॉरी टीम नंबर 17 और यहाँ पे टीम नंबर जो है 21 के बीच में क्या होता है देखते हैं। टीम नंबर 17 के स्क्वाड के लौंडे, इतना ज़्यादा पेड़ है जिस जगह वहाँ पे जोन बन गया है। टीम नंबर 12 21 के जो लौंडे हैं ये चारों के चारों लौंडे सरवाइव कर रहे हैं। सामने टीम नंबर जो है, अरे जोन के अंदर नहीं आ रहा है क्या? बट ये आई थिंक यहाँ पे हाइपर अगर गाड़ी से नहीं उतरे तो लुढ़क सकते हैं। जोन के अंदर अभी भी हाइपर को जाना बाकी है, गाड़ी ब्लास्ट होने वाला है और हाइपर को पेल दिए हैं यूडी कॉम्बैट ने, YD कॉम्बैट ने और टीम नंबर 2 के जो लॉन्डे हैं स्पार्टन स्पोर्ट्स के टीम है, स्पार्टन 300 स्पोर्ट्स की टीम है। और तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 21 और टीम नंबर 17 के बीच में लग गए हैं आग। तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाए गए, बट अब उनको नहीं लगता है कि फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को जवाब जल्दी ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर लेके घर चले जाएंगे, खा लेंगे चिकन डिनर और सो जाएंगे, बढ़िया सा चैन का नींद ले लेंगे मुझे लगता है ऐसा। बट फिर मॉर्निंग के टाइम आप लोग जब देखोगे ना यहाँ पे क्या ही बूम बम होने वाला है मुझे नहीं मालूम भाई साहब, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। देखिए बहुत जितना यहाँ पे टीम नंबर 21 की स्क्वाड को दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, INS की स्क्वाड ऊपर थोड़ा सा देखिए देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड 17 के स्क्वाड है, ये है जोकर ओपी के स्क्वाड, ये बंगाल के स्क्वाड है। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 23 और टीम नंबर 22 के बीच में फाइट हो चुका है। टीम नंबर 23 जो है ये रेज के टीम के लौंडे हैं और टीम नंबर जो है 2 के स्क्वाड जो है स्पार्टन 300 के स्क्वाड हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो उनको प्रायोरिटी नहीं दिए हैं जिमी यहाँ पे, जो उनको प्रायोरिटी नहीं दिए हैं वो यहाँ पे जोन को खा के जाएगा, कोई इनको नहीं खाएगा जोन इनको खा के जाएगा। प्रभु भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए टीम नंबर 23 मुझे लगता है पूरा का पूरा जोन में जाएंगे। और यहाँ पे दीपक जो है और ये बचता हुआ निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे लास्ट तक क्या होगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे INX की स्क्वाड को यहाँ पे जोन से पेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जोन इनको पेल रहे हैं, कोई नहीं पेल रहा है तो जोन इनको पेल रहे हैं, खा जाएगा कोई। सबसे बढ़िया खतरनाक चीज़ है ये जोन। और ये लोग गाड़ी वाड़ी लेके रोटेट वोटेट नहीं मार रहे, रोटेट पूरा गलत मार रहे हैं और रोटेट गलत मारने की वजह से ये लोग आधे से ज़्यादा पे जोन के शिकार बन चुके हैं।
टीम नंबर 15 की स्क्वाड की इंग्लैंड यहाँ पे डाउन है दिखाई दे रहे, टीम BMC स्पोर्ट्स की टीम मणिपुर की टीम, तो फिलहाल यहाँ पे वो सर्वाइव करते हुए 3 लौंडा दिखाई दे रहा है, 1 लौंडा यहाँ पे डाउन है दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर जो है 17 के स्क्वाड के लौंडा यहाँ पे, टीम नंबर जो है INS की स्क्वाड को यहाँ पे पूरा पूरा लॉबी पहुँचा दिए हैं। तो फिलहाल INS की स्क्वाड गए हैं लॉबी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, पूरा 0 किल के साथ गए हैं। अरे यार क्या ही बताएं, टीम नंबर जो है 17 के स्क्वाड की लौंडा सूरो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और सूरज यहाँ पे इनको डाउन किए हैं टीम नंबर 15 की स्क्वाड के लौंडा, और यहाँ पे टीम नंबर 15 की स्क्वाड के लौंडे के साथ टीम नंबर 17 की स्क्वाड का फाइट रहेगा। टीम नंबर 15 जो है ये दिखाई दे रहे हैं टीम BMC मणिपुर का टीम, और सामने है बंगाल की टीम। देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। अरे ये लौंडा क्यों नहीं जोन पे जा रहा है रे? असत्थामा को यहाँ पे गाड़ी से कुचल के निकल गया, मां कसम भाई साहब। लास्ट लौंडा, अरे भाई ओ ओ अंकित हेलो। बस मणिपुर की टीम यहाँ पे पूरा पूरा लेके गए विनर विनर चिकन डिनर, मां कसम वो गाड़ी से लौंडा जो कुचला है ना, और टट्टे जो है ना टट्टे उसको पूरा लोची क्या बोलते हैं उसको, पराठा बना दिया है, पराठा एकदम स्मैश्ड कर दिया है।